हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज दिन है शिवरात्रि का, महादेव का, और मैंने भी रखा है फास्ट, इसीलिए मैं तैयार हो रही हूँ फटाफट कि फिर जल चढ़ाने जाएंगे, क्योंकि फिर सुबह सुबह ही जल चढ़ता है, फिर लेट हो जाएंगे। इसलिए मैं तैयारी कर रही हूँ अब, जो जल चढ़ाने के लिए जो सामान जो जो सामान चाहिएगा, लिया है और उसको तैयार। मैं थाली में रख रही हूँ, अब जो जो चाहिएगा बस जल चढ़ाने के लिए। पानी लेना है, निशु लोटा, बस अब चलेंगे आदि की क्लास। क्लास खत्म हो गई। ये देखो इसकी क्लास लेनी, देख लो एक बार, ऐसे लेता है ये क्लास। हम जाएंगे गौशाला वाले मंदिर, मैंने बताया नहीं आपको, हम डेली गौशाला जाते हैं, तो वहाँ मंदिर बना हुआ है, आज तक मैंने दिखाया नहीं आपको, तो आज दिखाती हूँ वहाँ का मंदिर और गौशाला। डेली जाते हैं हम वहाँ, तो वही मंदिर चले जाएंगे, और गौशाला भी जाना तो होता ही है, तो वहाँ भी वहाँ मौसम आज धुंधला धुंधला सा है, ऐसे लग रहा बारिश आएगी, नहीं भी आएगी, और गर्मी हो रखी है बहुत, मस्सी है, ह्यूमिडिटी सी बनी हुई है, गर्मी सी है बहुत, पसीने आ रहे हैं, मौसम लेकर तैयार है। ये दूध ले आते हैं क्योंकि ताज़ा दूध था नहीं, ये दूध लेने गए हैं, दूध ले आएंगे और फिर चलेंगे। आदि को लेके चलते हैं या नहीं? आदि आपकी क्लास है, जाओगे? मैं और आदि और मैं और मम्मी को क्या बोल रही हूँ, मैं डैडी और दीदी जा रहे हैं किधर? गौशाला और जल चढ़ाने चलना है आपको, ये देखो चलोगे आदि? चलना है, चलेगा ये, फिर चलो फिर जल्दी जाएंगे। कैसे? बाइक से जाएंगे हम तो आज, नहीं तो हम जाते हैं पैदल, फिर बाइक से जाने का प्लान है, फिर बाइक से सारे कैसे जाएंगे, ये भी प्रॉब्लम होएगी अब। और ये हो रही है, निशु निशु तैयार हो गए? सारा फैला दिया है मैंने, मैं देखो सारे कर देती हूँ, ये सारे गेट बंद, क्योंकि मिल गया आदि को, मिल लेके जाएंगे। गलत बात है ये, आदि कह रहा गलत बात है ये, गलत नहीं है, सारे नहीं आएंगे, इसलिए आप यहीं रहोगे, तो थोड़ी देर ही लगेगी। ये क्या पहन रखा है? क्या क्या दूध खोल लेती हूँ, त्योहार हो तो अच्छा लगता है ना, शिवरात्रि आती है, थोड़ी निकल रही, गाड़ी में चलेंगे, देखते हैं गाड़ी में चलेंगे या क्या रहेगा। निकाल लेती हूँ दूध, इसमें रख लिया है सारा। हाँ, मैं नहीं जा सकता, तो पहली क्लास हो गई, नहीं जाना, क्लास है, चलो तो नहीं, ये नहीं जा रहा, क्लास वो गेट बंद कर लो फिर उधर से, खुला नहीं देना, जूते पहन लीजिए या पहले सब बेटा, सिंपल पहन ले, निकालने पड़ेंगे ना वहाँ,
ले आई ना गौशाला का सामान। मम्मी निकाल ली गाड़ी, गाड़ी में जाएंगे। घर पे ही होगा आपका फोन? घर पे ही है? हाँ घर पे ही है। वो आएगा नहीं है? नहीं तो? क्लास आ गई उसकी। हाँ मैं आगे बैठी। हाँ बैठ जाओ फिर, आगे खोल देना निशु। चलो पैसे ले लिए थे गौशाला? नहीं पैसे नहीं है गौशाला के लिए, पैसे हम भूल गए थे डेली डाल के आते हैं तो ध्यान ही नहीं रहा मेरे। अब लेने गई आदि देगा। हाँ दे दो अच्छे से फोल्ड करके दे दो दीदी को। ठीक है पढ़ो। ये हम पहुंच गए हैं गौशाला। ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है मेरे घर से, बस 5 से 7 मिनट ही लगती है गाड़ी में, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो हम जल्दी पहुंच गए हैं गाड़ी में, गाड़ी से और आ गए हम गौशाला। ये गौशाला वाला मंदिर है जो अभी फ़िलहाल 1-2 साल से ही बना है। तो ये है कि हमें यहाँ आना होता है तो ईज़िली हम यहाँ भी पूजा भी कर लेंगे और एक पंथ दो काम हो जाएंगे हमारे। तो हम दोनों कर रहे हैं पूजा और मैं कर रही हूँ महादेव और गौरी जी का गठबंधन, और बीच बीच में मैं पंडित जी से पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पंडित जी भी बैठते हैं तो वो हेल्प कर देते हैं कि क्या, हमें थोड़ा बहुत पता नहीं होता तो हम उनसे पूछ लेते हैं तो वो अच्छे से बता देते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए तो हम उनकी हेल्प ले लेते हैं। और तो वो मैं बस वही पूछ रही हूँ उनसे कि क्या क्या क्या, क्या कैसे कैसे करना होता है थोड़ा बहुत। और मैंने चढ़ा दिया है जल, और निशु ने भी पूजा कर ली है और इन्होंने भी जल चढ़ा दिया है। बस मैं ही बैठ गई थी पहले पूजा वूजा करने आराम से, तो फिर मैं लास्ट में कर रही हूँ अब। और मैं ये दिखा रही हूँ आपको ये अंदर से ये मंदिर कैसा बना हुआ है। ये देखो सारी भगवान जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, अभी नया नया ही बना है तो इतना ज़्यादा अभी किया नहीं है यहाँ पे डेकोरेशन का इतना, फिर भी बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है। देखे तो हर हर भगवान जी की यहाँ मूर्तियाँ हैं और हाँ? सावन के महीने में डेली कीर्तन होता है। पहले अगर थोड़ी गौशाला तो दिखा दी। आटा रख लिया था ना? आज पहली बार ऐसा हुआ है कि शिवरात्रि पे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, है ना जी? नहीं थी ना? मुझे लगता है ना जैसे हम लोगों को पता नहीं था ना कल की तरह, कल तक हमें पता नहीं था कि शिवरात्रि कल की है, मतलब 6 तारीख की है, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ऐसे पता नहीं हुआ क्योंकि ना आपकी बार कावड़ वाले तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि उसी से थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि शिवरात्रि आने वाली है, और अब की बार कावड़ वाले है ही नहीं, एक भी नहीं है, तो मुझे लगता है जैसे हमें नहीं पता ना वैसे ही नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को। बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, तो इतनी लंबी लंबी लाइनें होती हैं, बारी भी नहीं आती। और आज तो हम पहली बार इतने अच्छे से पूजा करके आए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, बिल्कुल आराम से। और मैंने आप लोगों को गौशाला भी दिखाई, हमारी प्यारी गौशाला जहाँ हम जाते हैं इतने सालों से जा रहे हैं। आज कितने साल हो गए जाते हुए? 6 साल हो गए, 6-7 साल हो गए हमें कंटिन्यू जाते हुए।
3 साल तो यहीं हो गए मैं रहते हुए, चार तो वहाँ, 2-3 साल तो वहाँ से भी जा रहे हैं हम, जहाँ पहले रहते थे बसई में, तो हो गए हमें भाई 6-7 साल तो जाते हुए आराम से। और गौशाला के साथ हम आते हैं रोज मछलियों को आटा डालने, ये भी 6-7 साल से कंटिन्यू है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये पास में ही है यहाँ। तो पहले आटा डालते हैं और फिर गौशाला जाते हैं। आज हम पहले गौशाला चले गए क्योंकि मंदिर जाना था, और अब आए हम आटा डालने। यहाँ देखो ये दिख रहा है ना, ये है ये जो दिख रहा है, ये जोड़ है, ये बच्चे नहा रहे हैं, गांव का जोड़ है ये, गांव में तो भाई जोड़ी बोलते हैं। आप लोगों को चलेंगे आटा, ये देखो दिख रहा है ना, आ रहे हैं। यहाँ कितने हंस है जी? वो 6-3 जोड़े हंस रहते हैं यहाँ। अभी है नहीं, अभी शायद उस तरफ गए हुए हैं, मतलब बहुत बड़ा जोड़ है ना, तो इस किनारे पे नहीं है, उस किनारे पे होंगे शायद। तो कभी फिर जब इधर होंगे ना तो जरूर दिखाऊंगी आप लोगों को। चलते हैं आपस घर। आज बहुत मजा आया क्योंकि बिल्कुल आराम से पूजा हुई, कोई जल्दबाजी नहीं थी। हाँ चलो, छह सात साल हो गए हमें कंटिन्यू आते हुए, तो नहीं आए तो अच्छा नहीं लगता, कि ऐसे लगता है जैसे कि कोई काम रह गया है। डेली आते हैं हम, जब इनकी ये शिफ्ट होती है तो शाम को आते हैं, और भी होती है तो सुबह आते हैं हम। आते जरूर हैं, जब यहाँ होते हैं तो जरूर आते हैं भाई, कहीं बाहर हो तो वो तो देखो फिर पॉसिबल नहीं हो पाता। आई यहाँ होते हैं तो हम कंटिन्यू डेली आते हैं, और बिना आए फिर मन भी नहीं लगता, कि ऐसा लगता है कुछ रह गया है, आज का काम कुछ बाकी था जो रहा है, तो इसलिए हैबिट हो गई अब हमारी, और मन को सुकून भी मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। गर्मी हो गई है बहुत, है ना जी, पसीने आ गए, और बादल हो रखे हैं ऐसे कि बारिश होने वाली है, और होगी भी नहीं, और हो रही है, बारिश आ रही है, नहीं आ रही, कहाँ आ रही है, और हवा का नहीं है बिल्कुल सांस भी, ऐसे बोलते हैं ना हरियाणवी में, हरियाणा में हवा का नहीं है भाई बिल्कुल सांस भी, झोंका ऐसे बोलते हरियाणा में, तो हवा का नहीं है भाई बिल्कुल सांस भी, कुछ में हवा नहीं है, बस गाड़ी चल रही है तो हवा लग रही है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि तो सच में बहुत गर्मी होती है। हम आगे थे घर, मैं बनाने जा रही हूँ मेरी चाय, और इनके लिए बनाऊंगी बनाना। अब तो सच में ऐसे लग रहा है जैसे शिवरात्रि है ही नहीं, कहीं कोई चहल पहल नहीं है, नहीं तो शिवरात्रि पे तो इतनी भीड़ भाड़ होती थी, इतनी चहल पहल होती थी, अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लग ही नहीं रहा है बिल्कुल, सच में बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है, भीड़ भी ना भी। चाय मैंने और निशु ने, और निशु के डैडी ने, तीनों ने रखा पास, और आदि के लिए देखते हैं, रात वाले राइस भी रखे हैं, और शेक भी लेगा, और जब हम खाना बनाएंगे उसी से खाना, उसके लिए क्या अलग बनाऊंगी, बार मेरे चाकू बहुत टूट रहे हैं, पहले एक टूट गया लकड़ी वाला, और अब ये टूट गया, और ये वाले काम के हैं नहीं, और बाकी
डाल दी मैंने सौंफ और इलायची मेरी चाय में भी डाल देती हूँ और इसमें चाय में भी अच्छी खुशबू हो जाएगी। सौंफ से और इलायची से बहुत अच्छी बनती है चाय और मुझे तो पर्सनली सौंफ की चाय बहुत पसंद है और गर्मी में तो होती अच्छी है क्योंकि ठंडा ठंडी रहती है ना सौंफ। इनको आने लगे हैं चक्कर और इनको चाहिए काजू। काजू से चक्कर खत्म हो जाएंगे हैं? देख लो भाई, काजू से चक्कर आने बंद हो जाते हैं। अब की बार मैंने पूरा 1 किलो घी का डिब्बा भर दिया इलायची घी और क्या मस्त घी बनाया। बहुत घर वाले घी की तो ओड़ी नहीं है भाई, बहुत मस्त घी है मेरा। ये तो साथ साथ में लग जाता था, अब की बार मैंने यूज नहीं किया, पूरा 1 किलो का डिब्बा भर गया। अब की बार नए डिब्बे में डालना शुरू करूंगा। खाने का टाइम हो गया तो 12 बज गए तो खाना बना देती हूँ अभी। ये तो फिर कैसे खाएंगे, तो अभी बना रही हूँ इसलिए हम भी अभी खा लेंगे। तो आलू छील रही हूँ बस, अब और कुछ है नहीं अभी, क्योंकि एक्चुअली में सच में हमें नहीं पता था कि ना शिवरात्रि है। रात को ही हमने बस वैसे ही कैलेंडर देख लिया तो पता चला कि 6 की शिवरात्रि है, क्योंकि वही ना मैं बता रही थी कोई कावड़ वावड़ वाले तो दिखे नहीं। कावड़ वाले, कावड़ से पहले पता चल जाता था, कावड़ वाले आते थे तो कि कावड़ी आ गए तो भी हाँ शिवरात्रि आने वाली है, तो पता तो था नहीं। तो अचानक बस पता चला तो फिर घर में जो अवेलेबल था उसी से बना रही हूँ। आलू रखे थे तो बना लूँगी आलू की खट्टी मीठी वाली सी सब्जी और आलू का ही बना लेंगे रायता। आज आलू ही आलू खाएंगे आज, क्योंकि नहीं तो फिर पता होता तो मुझे को साबूदाना बहुत पसंद है, साबूदाना मंगवा लेती, कुट्टू काटा या सिंगाड़े काटा तो उसकी पकोड़े बना लेते। अब कुछ है नहीं तो फिर आज इसी से काम चलाएंगे और आदि ने भी आज अब तक खाना खाया नहीं है, हमने नहीं खाया ना तो इसने भी नहीं खाया है। शेक पिया था हमारे साथ ही और बस तब से ऐसे ही है। मैंने पूछ भी लिया खाओगे तो मना कर रहे हैं। देख लो घर में कोई नहीं खाता था, बच्चों को भी भूख नहीं लगती कि खा ले, मैंने उसको बोला है खा लो नहीं खा रहा, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा। बस अब मैं छेद लूँगी कि आलू, दही निकाल दिए मैंने पहले ही, दही निकाल के रख दी थी। मीठा तो कोई खाएगा नहीं तो मीठे में भी क्या बनाऊं। बना दिया है राइस, ये बनाई है सूखी सब्जी, खा लेते हैं खाना, मिलती हूँ फिर आपको। कपड़े वपड़े प्रेस कर दूँ इनके, इनके खाना डाल दूँ। शाम के बज गए हैं 5 और अब मैं बनाऊंगी चाय। थोड़ी देर लेट गई थी मैं सो गई थी, मतलब रात को 2 दिन हो गए, पता नहीं नींद नहीं आ रही थी, मच्छर ज़्यादा हो गए थे मैं बता रही थी तो अब सो गई थी। बस अब चाय बनाएंगे और बस आदि के लिए खाना बनाना है शाम को, मैं और निशु तो खाएंगे नहीं, बस दूध ले लेंगे और फिर मेरा सूट सिलने का काम करूँगी। सूट सिलती हूँ, मेरा आज एक कुर्ती कल कर दी थी
बस यही है। तो बस आज के व्लॉग का यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ये मेरा शिवरात्रि का व्लॉग जो मैंने दिखाया, आप लोगों को पसंद आएगा। तो पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें।